हेलो एवरीवन माय नेम इज गौरव जैसा कि आप सबको पता है हम यहाँ पर चैप्टर नंबर जो फाइव है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पर देख रहे हैं और आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं जरा बात करें यहाँ पर तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आर्गेंट प्लेन एंड यहाँ पर पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखने वाले हैं अब हम बात करें आर्गेंट प्लेन क्या होता है यस क्यों जरूरत पड़ी तो इन सभी के बारे में जरूरत है हमें यहाँ पर समझने की देखिए पहले मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास यदि नेचुरल नंबर्स होते हैं यहाँ पर यस हमारे पास केवल नंबर्स है यहाँ पर यदि मैं बोलूं कि उन नंबर की एक लोकेशन दीजिए आप यहाँ पर तो आप क्या बनाते हैं एक कार्टिशन प्लेन बनाते हैं उस कार्टिसन प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट है आपके पास यहाँ पर उस पॉइंट की यदि आपको लोकेशन चाहिए या किसी नंबर की लोकेशन चाहिए तो आप क्या बनाते हैं एक्सेस बनाते हैं प्लेन बनाते हैं देन उसके ऊपर नंबर को लोकेशन करते हैं क्लियर ये बात कर रहा हूँ किसकी रियल नंबर के बारे में रियल नंबर में ये सब काम होता है जैसे कि मैं बात करूं आपने क्लास टेन तक देखा होगा यहाँ पर कार्टिसन प्लेन क्या होता है उस प्लेन के ऊपर पॉइंट की लोकेशन कैसे डिनोट की जाती है प्लस इसके साथ साथ एक्स वा एक्सेस वाई एक्सेस कैसे बनाई जाता है उसके अंदर हमने यहाँ पर एप्सिकास को देखा था यहाँ पर तो ये सारी चीजें हमने देखी थी और उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर डायग्राम्स देखे थे फिर उससे हमने उन डायग्राम्स के एरियाज को भी निकाला था जिस लाइक मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करूँ यहाँ पर तो ये सारे के सारे काम हमने किए थे अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर की एक दुनिया है मैंने आपको जैसा कि बताया था उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नंबर है उसके अंदर हमारे पास पॉइंट है यस वो नंबर किसी न किसी एक पॉइंट को डिनोट करते होंगे तो देखिए यहां पर उन पॉइंट को भी डिनोट करने के लिए मुझे किसी ना किसी प्लेन की जरूरत पड़ती है जैसे ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक नंबर ले लिया नंबर अब वो वहीं कहीं पड़ा है ऐसा तो है नहीं उनको भी तो एक डिनोट करना पड़ेगा उनको भी तो एक लोकेशन देनी पड़ेगी उनकी खुद की यस उनकी दुनिया में भी तो काम करना पड़ेगा तो बेसिकली बात करें उनके लिए यदि मुझे लोकेशन देनी है उनके बारे में बताना है कि तो उसके अंदर कोई पॉइंट है वो पॉइंट कहां पर पड़ा है यस आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे शो हो रहा है तो उसके लिए भी हमें एक प्लेन की जरूरत पड़ती है हमें एक ग्राफ की जरूरत पड़ती है तो वो देखिए उस प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं जिसके ऊपर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं वो प्लेन आपके पास क्या होता है यहां बात करें आर्गन प्लेन होता है क्लियर अब देखिए क्या लिखा है यहां पर अ प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स अ पॉइंट इट्स कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और यहां पे लिखा है आर्गन आर्गन प्लेन प्लेन क्या होता है जरा बात करें यहां पर तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्लेन होता है जिसे आप क्या बोलते हैं आर्गन प्लेन बोलते हैं क्लियर आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से कहने वाला हूं यहां पर अब जरा बात करें ये आर्गन प्लेन दिखता कैसा है और यहां पर हम किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर तो देखिए मैं यहां पे बात करूं आर्गन प्लेन से रिलेटेड तो आर्गन प्लेन के अंदर मैं बात करूं यहां पर तो आपके पास यहां पर एक्सेस होती है और वो दो एक्सेस कौन कौन सी होती है जरा बात करें यहां पर तो यहां पर ये दो एक्सेस कुछ इस तरह से होती है क्लियर इसके अंदर बात करें तो ये आपके पास सेंटर पॉइंट ओ ही रहता है देन अब देखिए यहां पे बात करें तो देखिए ये आपके पास एक्स एक्सेस होती है यस yes, मैं बात करूँ ये आपके पास पास होती होती है है देन ये आपके होती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो हमारे नॉर्मल में भी होता था नॉर्मल में भी हमारे पास इसी तरह से प्लेन बनता था अच्छा नॉर्मल के अंदर बात करें तो इस तरह के प्लेन को आप क्या बोलते हैं कार्टिशन प्लेन बोलते हैं यस उसको क्या बोलते हैं कार्टिशन प्लेन बोलते हैं और उस कार्टिशन प्लेन के ऊपर ये आपके पास क्या होती होती है एक्सेस है Clear? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो यस जेड इजिकल टू क्या होता है यदि मुझे इसको डिनोट करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी आर्गन प्लेन की जरूरत पड़ने वाली है अब ये आर्गेंट प्लेन की जरूरत पड़ने वाली है तो इसके अंदर भी हमारे पास एक्स एक्स और वाई एक्सेस होती है लेकिन ये सिर्फ नाम की एक्सेस होती है लेकिन इनका काम कुछ और होता है अब काम क्या होता है देखिए मैं बात करूं तो ये जो एक्स एक्सेस होती है ये मैं बात करूं किसके बारे में ये जो एक्सेस होती है ये आपके पास क्या दिखाती है आपका जेड का रियल पार्ट यस मैं बात करूं किसके बारे में रियल पार्ट ऑफ यहां पे देखो जेड को डिनोट करती है एक्स एक्सेस आपके पास क्या करती है रियल पार्ट ऑफ जेड को डिनोट करती है इसका मतलब इस वाली सीरीज के अंदर जो भी नंबर मिलेगा जस्ट लाइक मैं बात करूं वन देन टू थ्री देन फोर देन फाइव तो यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है रियल पार्ट मिलने वाला है यस yes, सारे के सारे क्या हो गए रियल नंबर देखने को मिलेंगे अब मैं बात करूं यहां पर y एक्सिस के अंदर कि मुझे y एक्सिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा तो मैं बात करूंगा यहां पर इमेजिनरी यस yes, कौन सी बात करूंगा यहां पर इमेजिनरी नंबर्स यस इमेजिनरी नंबर्स यहां से जेड हटा देते हैं यहां पर नंबर की बात करें यहां पर तो ये क्या मिलेंगे इमेजिनरी नंबर मिलेंगे अच्छा नंबर की बात करें तो वो भी क्या आपके पास बात करें यहाँ पर माइन प्लस वन देन आपके पास बात करू टू, देन आपके पास थ्री माइनस वन देन माइनस टू देन माइनस थ्री ये देखने को लगे अभी भी आपके दिमाग में डाउट चला होगा सर ये तो सेम टू तो सेम कार्टिसन प्लेन चल रहा है तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो जेड है इस जेड को जरा गौर से देखिए इस जेड को इमेजिनरी कौन बना रहा है इस जेड को काल्पनिक में कौन लेके जा रहा है इस जेड को काल्पनिक में ले जा रहा है ये आयोटा बाकी और कोई नहीं ले जा रहा इसके अंदर बात करिए जेड एक जो है ये भी आपके पास क्या नेचुरल नंबर है बी भी, भी बात करूं तो ये भी आपके पास एक नेचुरल नंबर है बस ये आयोटा आने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे बात करें ये क्या कर रहा है इमेजिनरी में ले जा रहा है क्लियर तो यहाँ पे बात करें इस नंबर के बारे में बात करें केवल आयोटा की वजह से ऐसा हो रहा है तो इस आयोटा को छुपा दो बाकी तो आपके पास सेम टू सेम वैसे ही दिखेगा बाकी सेम दिखेगा तो इसके अंदर प्लेन के अंदर क्या चेंजेस होने वाला है

इस जेड की लोकेशन चाहिए ये क्लियर हो गया कि ये प्लेन है ये अर्गन प्लेन है यहाँ पर रियल है यहाँ इमेजनरी है ये सब है सब दे रखा अब मुझे इस जेड की लोकेशन चाहिए कि कहां पे दिखेगा मुझे तो जेड आपके पास डिपेंड करेगा कि आपके पास ए और बी क्या है यस जैसा कि हम कार्टिशन प्लेन के अंदर बात करते थे उसी तरह से यहां पे भी जेड क्या करेगा डिपेंड करेगा जस्ट लाइक जेड की लोकेशन की बात करूं तो ये पॉइंट ऑफ जेड यहाँ कहीं हो जाएगा ये पॉइंट ऑफ जेड क्या होगा यहाँ कहीं होगा अब ये यहां पर कैसे आया जरा बात करें यहां पर तो इसको जरा फिर से समझते हैं यहाँ पर तो एक काम करते हैं देखिए यहाँ पर ये जेड ए कॉमा प्लस आयोडा बी लिखा है इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ बी यस क्या लिख रहा हूं यहाँ पर ए कॉमो बी जस्ट लाइक एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने होते यदि मेरे को कार्टिसन प्लेन के अंदर तो मैं क्या लिखता एक्सकॉमो वाई लिखता यस yes, क्या लिखता है एक्सकॉमो वाई लिखता उसी तरीके से यदि मेरे को जेड के लोकेशन चाहिए तो मेरे पास क्या है ए प्लस आयोडा बी की फॉर्मेट में है

तो यदि मैं पॉइंट आपके पास बात करूं यहाँ पर जेड की लोकेशन कहा होगी तो आप इस तरह से देखेंगे अब ये कैसे आने वाली है कहाँ पे कौन से कॉर्डेंट में आने वाली है तो ये सब आपके पास डिपेंड डिपेंड कौन करेगा करेगा यदि ए और बी दोनों की दोनों क्या है प्लस है फर्स्ट क्वार ए और बी में से यदि मान लेते हैं ए नेगेटिव हो गया सेकंड क्वार बी और ए दोनों नेगेटिव हो गया थर्ड क्वार यहां पे बात करें बी आपके पास नेगेटिव और ए पॉजिटिव है देन आपके पास क्या हो गया थर्ड कॉर्डन फोर्थ कॉर्डन क्लियर तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर कॉर्डन डिसाइड होगी जैसे कि मैं कॉर्डिनेट ज्योमेट्री सबको समझा चुका हूँ तो इसलिए थोड़ी कॉर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी स्ट्रॉग होनी चाहिए यस yes? तो वहां से आप क्या करेंगे रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा यहाँ पर पढ़ने के लिए और ज्यादा अच्छे ढंग से क्या होगी चीजें क्लियर हो जाएगी क्लियर अब जरा यहाँ पर देखिये बात करें यहाँ पर इतना हमने समझ लिया कि ये जेड है देन यहाँ पर एक्सेस है ये सब कुछ है यस अब देखिए यहाँ पर जब मैं आपको मॉड्युलर समझा रहा था तो मैंने मॉडुलर्स के अंदर भी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपका जो मॉड्यूल होता है यस आपका जो होता होता है है वो में क्या होता है? आपका जो आर्गन प्लेन है उस प्लेन में पॉइंट पी से ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही आपके पास क्या कहलाता है यहाँ पर मॉड्यूल कहलाता है यस वही क्या कहलाता है मॉड्युलस कहलाता है यस मॉड्यूलर्स की बात करें तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं क्लियर यही तो लिखते हैं हम यहाँ पर तो अब यहां पर बात करें तो यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके बारे में जरा समझते हैं तो मान लेते हैं ये आपके पास क्या है पॉइंट आपके पास यहां पर मान लेते हैं जेड है यस पॉइंट जेड है जिसे आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर बोले और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो वो क्या है ए कवा बी है अब देखिये यहां पर ए कमा बी का मतलब जरा बात करूं यहां पर तो जेड यहां पर है देन ए है प्लस यहाँ पर आयोटा बी है जहां पे ए क्या है रियल पार्ट्स ऑफ जेड है बी क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या है जेड है और यहाँ पे बात करें तो ये आपको क्या देता है रियल देता है देन इसकी बात करूं तो ये आपको क्या देता है इमेजिनरी क्लियर तो ये आपको देता है देन मैं बात करूं पर तो ये आपको रियल एंड देन इमेजनी देगा अब मैं बात करूं यहां पर तो मैंने जैसा कि आपको बताया था ये क्या है आपके पास ओरिजिन है जीरो क्या मिलता है एक रियल नंबर मिलता है ओके अब आपके पास बात करें तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं ये जो जेड से डिस्टेंस है जस्ट लाइक like मैं बात करूं यहां से

तो आप बोलते सर दो कोऑर्डिनेट है दो कॉर्डिनेट्स है तो दो कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस को हम लोग लगा सकते हैं जो कि हमने क्लास टेंथ के अंदर देख रखा है तो यदि मैं बात करूं डिस्टेंस डी के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस बी क्या लिखते हैं पे पर रूट्स ऑफ लिखते हैं यस डिस्टेंस बी ऑफ क्या लिखते हैं रूट्स ऑफ ए माइनस जीरो का आप लिखते हैं होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखता तो मैं क्या लिखता बी माइनस जीरो का क्या लिखता है होल स्क्वायर लिखता था देन मैं बात करूं यहाँ पर तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर ए माइनस जीरो मतलब ए हो गया और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया आपके पास बी स्क्वायर यह होता आपके पास एंड अभी यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको यही मिलने वाला है तो यहाँ पे बात करूं तो क्या मिलेगा रूट करूं तो क्या मिलेगा ए स्क्वाद पर मॉडुलस ऑफ क्या है जेड है मतलब आपके पास ये यह जो यहाँ पर जेड है इस जेड का क्या है यहाँ पर मॉडुलस और इसे हम का यहाँ पे बात करें आर्गन प्लेन के अंदर क्या दिखाते हैं यहाँ पर आर से डिनोट करते आर क्या, पर? हो यहाँ तक क्या हो रहा है हम क्या कर रहे हैं हमारा जो ये नंबर है यहाँ पे बात करें यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या हैं आपके जो कार्टिशन प्लेन है उसके अंदर क्या कर रहे हैं है, रिप्रेजेंट है? कर रहे हैं क्लियर हो गया यहाँ पर ओके तो बड़े आगे यहाँ पर क्लियर तो देखिए यहां पर बात करें तो अब यहां से देखिए और क्या यहां पर पता कर सकते हैं देखिए यहां पर बात करूं तो आपके पास जैसे यहां पर हमने देखा कि R इज इक्वल टू क्या होता है यहां बात करें मॉडल ऑफ क्या होता है होता है है यस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे आने वाले जो आपके पास एक्सरसाइज है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट रोल करेगी देन आप देखिए यहां पर बात करूं यदि मैं यहां पर लिखता हूं कि आपके पास लिखता हूं यहां पर देखिए यस इसके अंदर चलते है वापस यदि मैं यहां पर लिखता हूं कि आपके पास क्या है ए प्लस आयोटा जीरो प्लस आयोटा जीरोक्सेस क्या है यहां पर तो इसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं और बात करूं यहाँ पर तो ये जीरो प्लस आयोटा बी आपको क्या दिखाता है जरा देखें तो ये वाई एक्सेस के ऊपर रिप्रेजेंट करता है और ये क्या दिखाता है यहाँ पर इमेजिनरी एक्सेस दिखाता है अब तक तो हमें ये दिखाए क्लियर ये चीजें हमने देख ली है और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हैं ये जो वाई एक्सिस है ये इमेजिनरी को शो करता है और ये चीज हमने यहां से भी कंफर्म कर ली है आपसे कि यहां पर होता है अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या होता है देखिए यहां पर हमारे पास एक जेड होता है एक इसका जड़ का भाई भी होता है यस जड़ का भाई भी होता है अब आप बोलेंगे जड़ का भाई तो आपने बताया नहीं बिल्कुल बताया मैंने यहाँ पर एक जेड का भाई भी बताया था जिसे बोला था मैंने जेड बार क्या बोला था जैडबार ये जेड बार क्या होता है यहाँ पर तो ये होता है कॉन्जुकेट क्या होता है कॉन्जुकेट अच्छा मैं कॉन्जुकेट की बात करूं यहां पर कि यदि मुझे कॉन्जुकेट को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कहां करेंगे तो वो करना बहुत ज्यादा आसान है कैसे आप क्या करें यहां से आप एकदम परपेंडिकुलर चलते, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे नीचे चलते रहे और यहां पर रुक जाए और सर रुकना कहां पर है रुकना आपको जस्ट यहां पर जितना आपने बी में ऊपर चला है उतना ही बी के अंदर नीचे चलना है देन यहां पर आपको ये जो डिस्टेंस है ये आपको कॉन्जुगेट की डिस्टेंस मिल जाएगी और ये कॉन्जुगेट मतलब बार आपको मिल जाएगा यस yes, ये क्या मिलेगा जेड बाहर मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास जेड है और आपको जेड बार तक जाना है इस ग्राफ के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा जेड की जस्ट इमेज लेनी पड़ेगी जस्ट लाइक like यहाँ पे मान लीजिए मिररर है तो ये क्या है जस्ट इसकी क्या है मिरर इमेज है क्या है आपके पास यहाँ पर मिरर इमेज है सर ये आई कैसे जरा बात करें यहाँ पर तो देखिये जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है जरा बात करें तो वो होती है आपके पास ए प्लस आयोटा बी

ए ऑमा बी की बात करूं तो वो आपके पास क्या है दोनों पॉजिटिव मतलब बात करें यहां तो ये क्या है, आपके क्या दे रहा है? इस वाले तो ये आपको यहाँ पर देगा ए कोमा माइनस बी आई थिंक समझ आ गया होगा यहाँ पर पा आपके पास जब भी आपको बोला जाए कि आपका जेड है जेड का दीजिए तो वो क्या होता है जस्ट उसकी क्या होती है मिरर इमेज होती है क्लियर Clear? तो ये क्या होती जस्ट इसकी क्या होती है मिरर इमेज होती है आई थिंक समझ में आ गया होगा किस से है? ओके? तो इस तरह से आप अपने जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आप क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर समझ आ गया इसे पोलर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको जरा समझते हैं देखिए मैंने जैसा आपको बताया था ये आपके पास क्या है पॉइंट पी है और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है जेड है और जिसे मैं बात करूं मॉड ऑफ जेड मतलब आपके बात करे एक नाम दिया था हमने जिसे हम मॉड्यूलर बोलते हैं यहाँ पर ओके okay, अब मैं बोलता हूँ इस पी का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर बात करें तो इस पी का पोलर कोऑर्डिनेट लिखना बहुत ज्यादा आसान है कैसे लिखना आसान है जरा बात करें यहाँ पर तो इसको जरा समझते हैं यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार फिर से क्योंकि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ये मैं बना रहा हूँ वाई एक्सेस देन यहाँ बना रहा हूँ एक्सएक्स एंड ये बना रहा हूँ वाई एक्स क्लियर

और यदि इस पॉइंट पी से डिस्टेंस की बात करूं यहां पर पी क्या है यहां पर बात करें वो जेड आपके पास यहां पर पा? yes, यस यह ये जेड है जो है ओके okay, तो ये पॉइंट पी से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने देखी थी नाम आर और आर क्या है मॉडुलस ऑफ जेड है क्लियर ओके okay. यदि पी के बारे में बात करूं तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे जरा बात करें यहाँ पर एक बी होंगे आपके पास यहाँ पर ओके ये क्या है एवा बी अच्छा यहाँ पे मैं बात करूं इसको जस्ट इससे मिला देता हूँ यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी क्लियर अच्छा ये डिस्टेंस की बात करूं ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है जरा बात करें यहाँ पर तो ये डिस्टेंस अभी मुझे नहीं पता यदि मेरे पास यहाँ पर एक ओवा बी नहीं पता है मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पर तो मुझे ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी मैंने आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा ये कैसे मिलेगी और मैंने आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा कि ये कैसे मिलेगी जरा सोचते हैं यहाँ पर कैसे मिलने वाली है तो जरा मैं भी सोचता हूँ जरा आप भी सोचिएगा यहाँ पर कि ये कैसे मिलने वाली है तो मेरा जो दिमाग है वो मुझे चल गया है कि यह कैसे मिलने वाली है यदि मेरे को यहाँ पर एक ओम बी नहीं दिया गया है तो मैं कैसे पता कर सकता हूं कि ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये कैसे आएगी और ये कैसे आएगी मैंने अपने दिमाग में सोच लिया आपने भी वही सोचा होगा क्लियर मैंने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर हम टिक्नोमेट्री लगा सकते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रैंगल है और राइट एंगल ट्रैंगल के अंदर एक चीटा भी दे रखा है एक डिस्टेंस भी दे रखी है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर टिक्नोमेट्री लगा सकते हैं अब जब मैं टिक्नोमेट्री लगाता हूँ तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है जस्ट लाइक मैंने ये वाले नीचे वाले जो बनाई है ये डिस्टेंस जो बात करूं

देन इसके बारे में बात करू तो ये आपके पास क्या है r साइन थीटा है क्लियर ये क्या है आपके पास r साइन थीटा है ओके okay. अच्छा ये r cos थीटा क्या था जरा बात करें यहां पर तो ये r cos थीटा आपके पास यहां पर a था ये r साइन थीटा क्या है जरा बात करें तो ये r साइन थीटा आपके पास क्या है b है r साइन थीटा क्या है आपके पास b है तो यहां से आपके पास जरा बात करू यहां पर यदि मेरे को इस जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की जगह इस जेड के बारे में ही लिखना होता कि ये जेड कौन सा आपके पास बात करें आपके पास बात करें यहां पर जेड आपके पास क्या है मतलब जेड आपके पास यहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप कैसे लिख पाते तो यहां पर मुझे ये पता है कि यदि मैं जेड की बात करता तो जेड में क्या लिख सकता यहां पर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लिखता और आपने बोल दिया कि ए क्या है आर कॉस्ट थीटा है देन बी क्या है आर साइन थीटा है तो यहां पर ए और बी की वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट की जा सकती है बिल्कुल की जा सकती है तो मैं यहाँ पे देखिए जेड इज इकल टू मैंने लिखा है यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी देन यहाँ पर जेड इजल टू क्या लिख सकता हूँ एक जगह आर थीटा देन यहाँ पर प्लस लगाऊंगा आयोटा लिखूंगा देन यहाँ पर क्या लिखूंगा आर साइन थीटा लिखूंगा यहाँ पर क्लियर देन जेड के अंदर मैं बात करू यहाँ पर तो दोनों से मुझे आर कॉमन नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा हूँ थीटा प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ आयोटा के साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा और ये क्या होता है किसी भी जड़ का यस yes, मैं बात करूं यहां पर किसी भी जड़ के लिए आपके पास उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी जड़ का आपके पास क्या कर रहे हैं पर ये रिप्रेजेंटेशन है और वो जो आपने देखा था यहां पर वो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हैं yes, है यहां पर एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एंड यदि आपसे बोला जाए कि पोलार रिप्रेजेंटेशन क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे ये आपके पास होता है, किसी भी अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए को यहां पर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है आपको थीटा के अंदर बात करनी है क्लियर आपको किसके अंदर, अंदर बात करनी है और थीटा के अंदर ही सारी वैल्यू निकालनी क्लियर समझ आ रहे हैं आप इस तरह से आप क्या सकते कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर तो अब देखें यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुछ टर्म्स और जी को डिस्कस कर लेते हैं जस्ट लाइक like मैं बात करू यहाँ पर तो ये जो आर था हमारे लिए यस मैं बात यहां पर ये जो आर था इसे आप क्या बोलते हैं यहाँ पर यस यहाँ पर आप क्या बोलते हैं बोलते हैं मॉडुलस यस क्या लिखते हैं मॉडुलस बोलते हैं यहाँ पर देन यहाँ पर बात करू ठीटा के बारे में तो ठीटा को क्या बोलते हैं यहाँ पर बात करें तो इस ठीटा को क्या बोलते हैं

तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर बात करें जेड लिखते हैं देन यहाँ पर क्या लिखते हैं आर लिखते हैं देन क्या लिखते हैं थीटा लिखते हैं देन प्लस बात करूं। यहाँ पर आईओटा लिखते हैं देन साइन थीटा लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आपके पास ये क्लोज क्लियर तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है जरा उसकी बात करें यहाँ पर तो वो क्या आने वाली है जरा देखें यहाँ पर ये जो थीटा है ये हमारे लिए प्रॉब्लम फेस करेगा क्योंकि यदि मैं इस थीटा के बारे में बात करूं यहाँ पर तो साइन थीटा के अंदर और थीटा के अंदर मैं बात करूं

ये क्या करता है यहां बात करें माइनस पाई टू पाई के बीच में काम करता है यस क्या करता है माइनस पाई टू लेके पाई के बीच में वर्क करता है यस चीजें सेम ही है जीरो से टू पाई की बात करें या माइनस पाई से पाई की बात कर दें क्लियर अब देखिए ये जो आपके पास यहाँ पे माइनस पाई टू पाई के लिए आया है यहाँ पर ये यह क्या कहलाता है आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है यस क्या कहलाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है जैसे हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं ना उसी तरह से प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है और जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेंटेश और अब देखिए यहाँ पर बात करें कुछ और चीज जस्ट लाइक मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आपके पास ये जड है ये जेड से आपको इस वाले जेड के अंदर पूछना है मतलब पोलार के अंदर पहुंचना है अब पोलार के अंदर पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे तो पोलर के अंदर पहुंचने के लिए यहां पर मुझे चाहिए एक तो ठीटा की जरूरत पड़ेगी देन मुझे यहां पर बात करें आर की जरूरत पड़ेगी देन मैं उसकी वजह से पहुंच सकता हूँ डायरेक्टली आर मिल गया और ठीटा मिल गया तो वैल्यू दूंगा तो आप कैसे करेंगे जरा बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो आर की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है क्योंकि वो मॉडुलस ऑफ जेड है और मॉडुलस ऑफ जड की बात करूं तो वो रूट्स के अंदर क्या है यहाँ पर ए स्क्र प्लस बी स्क्र है यदि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर मॉडुलस ऑफ जेड है मॉडुलस ऑफ जड की बात करूं तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र क्लियर अब मैं बात करूं यहां पर किसके बारे में मैं बात करना चाहूं यहां पर आपके पास यहां पर इस थीटा के बारे में बात करना चाहूं ये थीटा कैसे रोल करेगा तो देखिए यहां पर मेरे को ये यहां पर एक चीज दिख रही है यहां पर कि यदि मैं निकालता हूं टेन थीटा क्या निकालता हूं टेन थीटा निकालता हूं तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं बी बाय ए का यूज कर सकता हूं बी बाई ए मतलब इस बी के अंदर ए का डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर टेन थीटा मिल जाएगा

आपके पास कॉस्ट थीटा कब कब जीरो होता है क्योंकि जब जब ये जीरो होगा ये इंफिनिटी तक पहुंचा देगा तो यहां पर बात करें कॉस्ट थीटा कब कब जीरो होता है जरा बात करें तो ये होता है आपके पास और पाई बाय टू के ऊपर यस yes, क्योंकि देखिए पाई बाई टू पे होता है पहले देन आपके पास बात करूं थ्री पाई बाय टू पे होता है यहाँ पर ये सारी वैल्यूज जो होती है जहां पे क्या होता है कॉस्ट थीटा जीरो होता है तो इसमें से मुझे सब करना पड़ता है किसको और पाई बायू को मतलब मैं बात करूं टू एन प्लस वन और पाई बाई टू ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर यस ये जो चीटा यहाँ बात करें टेन डीटा की जो यहाँ पर बात करें यस टेन डीटा जो है आपके पास वो ये नहीं होना चाहिए क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यस और यदि मैं बात करूं डायरेक्टली के लिए ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये याद होना बहुत जरूरी है यस आर इज इकल टू क्या होता है मॉडुलस ऑफ जार्ड होता है जिससे आप क्या बोलते हैं यहाँ पर रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं और यदि मैं बात करू

यस yes, जो आपके पास क्लियर तो देखिए आपका जो यहाँ पे थीटा है ये जो थीटा है वो लाइक कहां से तक कर रहा है यहां कहा बात करें माइनस पाई से लेके क्या कर रहा है पाई के बीच में आपके पास क्या कर रहा है लाइक कर रहा है और जैसे माइनस पाई और पाई के बीच में ये लाइक कर रहा है इस केसेस के अंदर तो देखिए यहां पर आपके पास कुछ कंडीशन वर्क करती है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है जरा देखे यहाँ पर देखिए क्या करती है जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है यस और वो किस तरह से चेंज होती है जरा बात करें यहाँ पर तो जस्ट लाइक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास ए कॉमां भी दे रखा है मतलब बात करें यहाँ पर आपके पास यहाँ पर दे रखा है z आपको दिया ए प्लस आयोटा बी दे रखा है यहाँ पर और बोला जाए यहाँ पर इसका क्या निकालें? निकाले आप मॉड्यूल निकालें देन इसका यहाँ पर आर्गुमेंट निकालें क्लियर अब आर्गुमेंट निकालने चलेंगे यहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि थीटा का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और टेंट थीटा के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर बात करें तो इसको कर देंगे बी बाई ए

तो कोर्डिनेट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर इन दोनों केसेस के अंदर क्या होता है प्लस प्लस होता है यहां पर एंड देन इस बार बात करें यहां पर माइनस तो प्लस प्लस हो जाएगा यहां पर देन इधर बात करें तो क्या होगा यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा देन यहां पर बात करूं तो आपके पास क्या होगा यहां पर बात करें तो ये हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस हो जाएगा क्लियर अब क्या है कि आपके पास ये जो आपके पास जेड लिखा है ये जेड क्या करता है वेरी करता है

तो मैं फर्स्ट क्वार्टन के अंदर बात करूं अल्फा के बारे में तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा माइनस यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपका क्या होगा प्लस अल्फा होगा क्या होगा आपके पास प्लस अल्फा होने वाला है एंड इस केसेस के अंदर बात करें यहाँ पर तो देखिए इसका क्या है रिफ्लेक्शन है यस yes, इसका क्या है रिफ्लेक्शन मतलब आपके थीटा की वैल्यू कुछ भी आती है यस yes, थीटा अल्फा कुछ आ जाती है तो वो आपके पास क्या होगी यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए कॉमा बी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और यदि आप यहां से थीटा निकालते हैं तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होगी जो है वही रहेगी यदि यही आपके पास ए कॉमा बी आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला जाता है तो यहां पर हो जाता है माइनस का अल्फा क्या हो जाता है यहां पर माइनस अल्फा हो जाता है क्लियर देखिए इसके पीछे का रीजन बहुत ज्यादा साफ है क्या साफ है तो अल्फा भी क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा अल्फा क्या आएगा क्लियर ओके अब जरा यहाँ पे बात करते हैं इस वाले इस वाले कॉर्डन के अंदर बात करूं तो देखिए क्या आएगा यहां बात करें तो ये होगा पाई माइनस अल्फा क्या होगा यहां पर पाई माइनस अल्फा क्यों होने वाला जरा देखें यहाँ पर यदि मैं थीटा टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा से यहाँ पे बात करें थीटा की वैल्यू और कैसे बात करें की थीटा आने वाली है टेन थीटा स्कॉर्डेंट में नेगेटिव आने वाला है अब जब टेन थीटा स्कॉर्डेंट में नेगेटिव आने वाला है और मुझे इसको पॉजिटिव के, के केसेस में लेके आना है तो देन क्या करूंगा पाई माइनस यहाँ पर करूंगा अल्फा देन मैं एंगल की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा पाई माइनस अल्फा एंड देन इस केसेस के अंदर बात करूं तो क्या लिखेंगे पाई माइनस यस माइनस पाई माइनस अल्फा क्लियर इस चीज का आप यहां पे करेंगे यूज करेंगे और इस चीज का यूज करते हुए आपका जो ये थीटा है इसकी आप क्या कर सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं आई थिंक ये समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है क्लियर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास ए प्लस आईटा भी दे रखा है ए कॉम बी दे रखा है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर यदि मैं बात करू जेड मॉड्यूल ऑफ जेड की बात करूं आप सीधा देख सकते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्र यस मॉड्य लेकिन यदि मैं, तो मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट के बारे में तो आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करूं किसके बारे में बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बारे में बात करूं तो उसके लिए आपको टेन थीटा निकालना पड़ेगा जिससे आपका आएगा थीटा आएगा और वो जो थीटा होगा वो आपके पास किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा इस एक ओमा बी के ऊपर डिपेंडेंट करेगा कि एक ओमा बी कौन से में क्योंकि आपके पास यहां पे अब जो वैल्यू है वो क्या करती है माइनस पाई से पाई क्या कर रही है वैरी करती है इस वजह से यहां पर इनके जो साइंस है यहां पर और जो वैल्यू है वो यहां पर उसके अकॉर्डिंग क्या होगी चेंज हो जाएगी क्लियर हो गया यहां पर ओके तो अब जरा देखें यहां पर चलते हैं पीछे की तरफ जैसे मैंने यहां पर लिखा था कि आर इज इकल टू यस मैं बात करूं यहां पर ये ये वाली डिस्टेंस लिखा था मैंने आर इज इकल आर साइन थीटा एंड इसको लिखा था आर कॉस्ट थीटा क्लियर इसको आप बाय डिफॉल्ट याद ही कर लें क्योंकि आपके पास ये बहुत जगह काम आने वाला है क्योंकि देखिए यहां पर मैं आपको इस तरह समझा सकता हूं कि जब आप यहां पर इस लाइन का इस आपके ये जो लाइन है जो आपके डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का एक्सएक्सेस की तरफ पोजिशन आप यहाँ पर प्रोजेक्शन लेते हैं की जगह क्या लेते हैं प्रोजेक्शन लेते हैं प्रोजेक्शन मतलब उसको यहां तक झुकाना लेते हैं आप एक्सएक्सेस की तरफ प्रोजेक्शन लेते हैं तो आपको हमेशा कॉस्ट का मिलता है Yes, तो, जहां पे भी लाइन थीटा थीटा को झुकाते हैं तो हमेशा झुकाते है? है। हैं तो आपको क्या मिलता है साइन थीटा मिलता है निभाग में रख हैं बाई डिफॉल्ट और यहाँ पे आर क्या है आपके पास यह है क्लियर ये चीजें हैं तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें ध्यान रखनी है तो इस तरह से हमने क्या किया था हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको हमने क्या कहता है प्लेन के अंदर बात करें एक हमने एक पोजिशन दी है इनको ग्राफ के अंदर और उसके लिए हमने क्या बनाया आर्गन प्लेन बनाया देन मैं बात करूं यहाँ पर हमने क्या बनाया इसका पोलार रिप्रेजेंटेशन बताया कि हम इसको यदि पोलार के अंदर रखते हैं के अंदर रखते हैं तो ये किस तरह से हमें दिखाई देते हैं आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है ओके okay? तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर जहां पर हम क्वेश्चन भी करेंगे और भी मजेदार चीजों को समझेंगे क्लियर तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ तब तक आप साथ बने रहिए Thank you for watching this video.